नमस्ते, आप देख रहे हैं जी पंजाब। हरियाणा, हिमाचल, रणभूमि में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। आज रणभूमि का शब्द है नरमी। कृषि कानून पर बेशक किसानों और सरकार के बीच नरमी नहीं देखी जा रही हो, लेकिन 26 जनवरी के सरकारी कार्यक्रमों के विरोध में थोड़ी नरमी जरूर दिखने लगी है। पहले किसान नेताओं ने तय किया था कि हरियाणा में बीजेपी और सरकार के कार्यक्रमों का 26 जनवरी के दिन विरोध किया जाएगा। सीएम और सरकार के मंत्री जहां तिरंगा फहराएंगे, वहां किसान पहुंचकर विरोध करेंगे। लेकिन करनाल में बवाल करवाने वाले किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी के बयान में थोड़ी नरमी देखी जा रही है। उन्होंने अपील की है किसानों से कि वो सरकारी कार्यक्रम का विरोध ना करें। अब सवाल यह है कि क्या बाकी किसान नेता चढ़ूनी की अपील मानेंगे और क्या ट्रैक्टर परेड को लेकर भी कोई नरमी किसानों की तरफ से बरती जाएगी। आज इसी मुद्दे पर होगी रणभूमि, लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। सरकारी कार्यक्रमों के विरोध का प्लान, 26 जनवरी को लेकर चढ़ूनी का बड़ा बयान, किसानों से विरोध ना करने की अपील। क्या चढ़ूनी के बयान को मानेंगे किसान? क्या ट्रैक्टर परेड पर बदलेंगे अपना प्लान? छब्बीस जनवरी देश गणतंत्र दिवस मनाएगा और इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दूसरी ओर किसान अपनी खेती के मुख्य औजार ट्रैक्टर से परेड निकालने की तैयारी कर रहे हैं और पंजाब हरियाणा से किसानों के ट्रैक्टर मार्च दिल्ली की तरफ कूच करने लगे हैं। लेकिन इस बीच किसानों के रुख में थोड़ी नरमी देखी जा रही है। जहां पहले किसानों ने हरियाणा में 26 जनवरी को सरकार के कार्यक्रमों का विरोध करने का ऐलान किया था, अब किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने किसानों से अपील की है कि सरकार के कार्यक्रमों का विरोध ना किया जाए। कि हरियाणा में कहीं भी अगर कहीं कोई मंत्री या कोई राजनेता झंडा फहराने के लिए आता है तो उसका हमने विरोध नहीं करना है। अगर वैसे कोई कार्यक्रम करने के लिए कहीं गांव में या कहीं रैलियां करते हैं, केवल उसका विरोध करना है। हालांकि दूसरी ओर सरकार ने करनाल की घटना से सबक लेते हुए सरकारी कार्यक्रमों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया है कि पहले से तय कार्यक्रम जरूर किए जाएंगे। 26 जनवरी एक राष्ट्र गौरव का दिन होता है, तो इस राष्ट्र गौरव के दिन में किसी की राजनीति नहीं होती है और उसको भी अगर वो राजनीतिक उपयोग करेंगे तो ये बहुत ही मतलब एक शर्म का विषय होगा इस देश के लिए। दुनिया क्या देखेगी, क्या कहेगी। वहीं विपक्ष किसानों की ट्रैक्टर परेड पर किसानों के साथ खड़ा है। आज जब देश आजाद है, दुख की बात है कि आज भी लोगों को, किसानों को, मजदूरों को अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। बहरहाल किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने नरम रुख दिखाते हुए 26 जनवरी के कार्यक्रमों का विरोध नहीं करने का फैसला लिया है। लेकिन सवाल यह है कि बाकी किसान संगठन उनकी इस अपील को मानेंगे। सवाल ये भी है कि 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड पर भी किसानों का प्लान बदलेगा। क्या ट्रैक्टर परेड पर भी उनके प्लान में नरमी दिखेगी। विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो किसान लगातार विरोध करने की बात कर रहे थे, थोड़ी नरमी किसानों के रुख में देखने को मिली है। खासकर चढ़ूनी ने कहा है, आपको याद होगा चढ़ूनी वही नेता हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी वही नेता हैं जिन्होंने करनाल में बवाल करवाया था सीएम मनोहर लाल की जो रैली थी, किसान रैली थी, जो किसान महापंचायत थी, उनका हेलीपैड तक खुदवा दिया गया था। लेकिन अब कह रहे हैं कि वो 26 जनवरी पर जब नेता या मंत्री या सीएम
अगर तिरंगा फहराएंगे तो उनका विरोध नहीं होगा, लेकिन बाकी कार्यक्रमों का विरोध करेंगे। क्या अब ट्रैक्टर रैली जो निकालने की प्लान हो रहा है 26 जनवरी को, उसमें कोई बदलाव होगा? हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए, अपने मेहमानों का परिचय करा देता हूं। आनंद बयानी है, प्रवक्ता है कांग्रेस, और साथ साथ राजकुमार लाड़वा है, किसान नेता है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण अत्रे साहब जुड़ेंगे, प्रवक्ता बीजेपी के, जैसे जुड़ेंगे उनको चर्चा में शामिल करेंगे। राजकुमार जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि वो जो 26 जनवरी के कार्यक्रम होंगे सरकारी, उनका विरोध ना करें, मानेंगे आप लोग? ऐसे अजी, हमने ये बात कुछ नहीं सुनी गुरनाम चुडनी साहब की। और रही जो 500 संगठनों का शीर्ष नेतृत्व है, जो भी हमारे को आदेश करेगा हम उस आदेश की पालना करेंगे। और बढ़िया ढंग से हमें ये, मैंने कोई बयान नहीं सुना चुडनी साहब का, ना ही सारे 500 संगठनों का लागू होगा जी सारी बात। तो आप क्या विरोध करेंगे? आप क्या विरोध करेंगे? ऐसे है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये कहा, बताया, और यहाँ के एडीसी साहब के मीटिंग थी उसमें भी ये बताया गया, भाई कोई भी यहाँ भाजपा का नेता अगर झंडा फहराएगा तो हम काले झंडे दिखाएंगे और विरोध करेंगे, डट के विरोध करेंगे, हम झंडा नहीं फहराएंगे। एडीसी साहब ने बताया, भाई अधिकारी झंडा फहराएंगे, हमारे कोई दिक्कत नहीं, अधिकारी झंडा फहराएंगे। यानी राजकुमार जी, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष है गुरनाम सिंह चढ़ूनी, वो अपील भी कर रहे हैं और आपको उन्होंने रिपोर्ट में भी सुनवाया उन्होंने क्या कहा, लेकिन आप लोग करेंगे, यानी बाकी किसान संगठन उनकी बात नहीं मानेंगे, आप लोग विरोध करेंगे, लेकिन एक बात बताइए ना, क्या सरकार आप लोग चला रहे हैं क्या? नहीं जी, नहीं। शर्मा जी, 500 संगठन है जो, वहां का जो आदेश आएगा वो हम उसकी पालना करेंगे, लेकिन चढ़ूनी की बात का बात तो नहीं मानेंगे ना आप लोग? हमने सुनी नहीं, मेरे को पता नहीं जी क्या करे चढ़ूनी साहब। मैं ना, ठीक है। आनंद बिहारी साहब, क्या चाहेंगे आप लोग विपक्ष के तौर पर, कि वाकई में जो सरकारी कार्यक्रम है उनका विरोध होना चाहिए? क्योंकि गुरनाम चढ़ूनी कह रहे हैं कि विरोध नहीं करेंगे, अगर सीएम या बीजेपी के नेता या मंत्री कहीं तिरंगा फहराते हैं तो उनका विरोध नहीं किया जाएगा। हालांकि पहले प्लान था, लेकिन अब यहां पर चढ़ूनी साहब ने यह कह दिया कि नहीं विरोध करेंगे, लेकिन राजकुमार लाड़वा जी जो किसान नेता हमारे साथ बैठे हैं वो कह रहे हैं विरोध करेंगे। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? सबसे पहले तो आज नेताजी सुभाष जयंती है, 125वां उनकी जयंती है, उनपे मैं उनको नमन करता हूं। और नेताजी ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आज जो स्थिति है वही किसानों की स्थिति बनती जा रही है। अरे सर, यहाँ आजादी की जंग नहीं हो रही है, ये आजादी की जंग, अरे आजादी की जंग नहीं हो रही है ना, यही तो कांग्रेस गुमराह कर रही है, तुम मुझे खून दो। अब ये आप भड़काई तो रहे ना ऐसे ही, तो बीजेपी जो आप पर आरोप लगाती है बयानी साहब, वो सही आरोप लगाती है। मीडिया ही गुमराह कर रहा है जी, हम लोग गुमराह नहीं करे, ये मोदी जो मीडिया है ना ये गुमराह कर। अरे सर, हमें आप कितनी भी गाली दीजिए कोई फर्क नहीं है, आनंद बयानी जी हमें कितनी भी गाली दीजिए कोई फर्क नहीं है, लेकिन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सर यहाँ कहाँ हो गया? ये अपने देश के किसान है, ये सरकार भी आप ही लोगों की है। मोदी जी के कोई फर्क नहीं पड़ा, आज किसान खूनी तो भारे है। आप खाली गणतंत्रता दिवस की बात कर रहे हैं, और गणतंत्रता दिवस को किसानों से ज्यादा महत्व है क्या? आज देश की आजादी किसने की? किसानों ने की, और उनपे आप इस प्रकार का अत्याचार कर रहे हैं और फिर उनपे दबाव भी बना रहे हैं। चंडू जी ने क्या कहा या किसान नेता क्या करेंगे ये उनका निर्णय है, इसमें कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं है। आप स्टैंड बताइए ना बयानी जी, आप चाहेंगे कि सीएम अगर पानीपत में तिरंगा फहराते हैं या बाकी मंत्री जगह जगह जिलों में जाके तिरंगा फहराते हैं तो आप कहेंगे कांग्रेस चाहती है कि विरोध होना चाहिए उनका? आप स्टैंड तो बताइए ना। ये किसानों ने अपना निर्णय लेना है, ये किसानों की लड़ाई है, कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। तो सर साथ खड़ी है तो अपना भी अपना निर्णय बताइए ना, जैसे आप ये कह रहे हैं कि हम साथ खड़े हैं तो कांग्रेस का स्टैंड बता दीजिए। ये कांग्रेस के कहने से चलेंगे? नहीं नहीं, आपका खुद का स्टैंड क्या है सर? कांग्रेस के कहने से नहीं चलेंगे, आपका स्टैंड है क्या विरोध होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं हाँ या ना, हाँ या ना, विरोध तो चल ही रहा है इनका। आनंद बयानी जी हाँ या ना, अब इनका आनंद बयानी जी हाँ या ना, विरोध हो या ना हो, शर्मा जी हाँ ना की हमारी बात नहीं रहती। नहीं नहीं, हाँ ना की बात तो किसान नेताओं ने बतानी है। अरे सर चलो, करना चाहिए तो उनके साथ। आनंद बयानी, एक जवाब चाहिए आपसे, क्या कांग्रेस का स्टैंड है कि मंत्री सीएम का विरोध होना चाहिए
26 जनवरी को अगर वो तिरंगा फहराते हैं। सर इससे आगे बात दबी बढ़ेगी हमारी और आपकी। स्टैंड है आपका कि विरोध होना चाहिए, सरकार की आंखें खोलनी चाहिए, नहीं विरोध होना चाहिए, किसी प्रकार का अत्याचार करें इनको ऐसा जवाब मिले, नहीं कांग्रेस चाहती है कि विरोध होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, जब किसानों का डिसीजन उनके साथ है। सर गुरनाम चढ़ू ने अपील की है, हालांकि राजकुमार जी कह रहे हैं कि नहीं, राजकुमार जी कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे, कांग्रेस का स्टैंड बता दीजिए ना सर। ये किसानों की तरफ बैठे हैं, जब ये भी ना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं मेरे को पता नहीं है, तो मैं चंडू जी की बात को कैसे जवाब दे सकता हूँ। गुरनाम चढ़ूनी ने तो कह दिया, उनका बयान हम दिखा रहे, राजकुमार जी ने कह दिया कि हम विरोध करेंगे, उनका बयान दिखा रहे, लेकिन कांग्रेस का क्या बयान है सर, कांग्रेस का स्टैंड क्या है, मैं हाँ या ना जानना चाहता हूँ। जब चंडू जी किसानों के नेता है और वो कहते विरोध नहीं करेंगे, हाँ, और किसानों की तरफ से जो प्रवक्ता बैठे राजकुमार जी वो कहते करेंगे, तो उस दुविधा के अंदर हमें क्यों डाल दें आप यही तो सरकार से पूछे ना ये बातें। तो अरे सर सरकार तो आनंद बिहारी जी, यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपका स्टैंड क्या, आप भी तो पार्टी के प्रवक्ता है ना सर, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, बस ये बता दीजिए आप। मैं आपको अरुण जी ये तो स्टैंड बता रहा हूँ, किसान पंचायत अगर ये फैसला करती है कि विरोध करेंगे तो हम उनके बिल्कुल साथ करेंगे, नहीं करेंगे तो आप नहीं, तब भी हम उन्हीं के साथ है, किसानों के साथ खड़े। अब आपकी पार्टी को किसान चला रहे हैं या आप चला रहे हैं, ये भी तय कर दीजिए। पार्टी हम ही चला रहे हैं, किसान अपनी पार्टी चला रहे, किसान जो अपना उनका एक अपना आंदोलन है सर। सर वाकई में कांग्रेस का स्टैंड साफ नहीं हो रहा। चलिए हमारे साथ अत्रे साहब भी जुड़ गए। अत्रे साहब, चढ़ूनी साहब ने कहा है कि किसान विरोध ना करे, अगर बीजेपी के नेता तिरंगा फहराए, मंत्री या सरकार का कोई भी कार्यक्रम हो उसका विरोध ना किया जाए, उन्होंने अपील की। चढ़ूनी साहब वही है जिन्होंने करनाल में बवाल करवाया था और कह के बवाल करवाया था, लेकिन यहाँ राजकुमार लाड़वा जी बैठे वो कह रहे हैं हम विरोध करेंगे। सर कैसे करेंगे? देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये है कि गुरनाम सिंह हो सकता है आपके लिए साहब हो, लेकिन जो व्यक्ति एक राजनीतिक पार्टी के साथ साठगांठ करके किसान भाइयों की भावनाओं का 10 करोड़ में सौदा कर ले, जिस व्यक्ति के बारे में 10-17 किसान संगठन स्पष्ट तौर पे टीकरी बॉर्डर पे प्रेस वार्ता करके ये बोल दें कि ये हमारे हमने इसको अध्यक्ष नहीं बनाया, तो उस व्यक्ति को मुझे लगता है ना तो हरियाणा प्रदेश का किसान साहब कहता है ना हरियाणा प्रदेश की जनता साहब कहेगी। जिस व्यक्ति पे पिछले लगातार कई सालों से लगातार पैसे लेके आंदोलन करना, आंदोलन खत्म करने के आरोप किसान संगठन के नेता ही लगाते रहे हो, ऐसे व्यक्ति को मैं आपसे भी निवेदन करूंगा साहब ना कहे। अब मैं बात करता हूँ कांग्रेस के, मैं तो आपको भी साहब कहूंगा, सबको सम्मान देता हूँ सर, हम साहब मेरे देश के लोग हैं सभी, मैं उनको सम्मान दे रहा हूँ। नहीं देश के लोग हैं, लेकिन जो व्यक्ति ना तो देश की संसद को मानता है, ना देश की सुप्रीम कोर्ट को मानता है, ना संविधान का सम्मान करता है, और जिसकी भाषा गुंडों वाली है, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को साहब कहेंगे जो गुंडागर्दी करे? क्या जो गुंडों की भाषा का प्रयोग करे आप उसको साहब कहेंगे? अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपसे, आपने एक बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा, और कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या किया, पहले तो बचने की कोशिश की, बाद में ये कहा कि जो किसान संगठन निर्णय करेंगे उनके साथ है, और यहाँ पे राजकुमार जी चर्चा नहीं कर सकते दूसरे का भी करते हैं, जब खुद से सवाल पूछते हैं तो जवाब नहीं देते, दूसरे के समय में घुस जाते हैं। देखिए आपने राजकुमार जी को सुना, राजकुमार जी ने ये कहा कि हम विरोध, देखिए इनको चुप करवाओ भाई, मजा नहीं आता है, या तो इनकी आवाज़। अरे आनंद जी रुकिए, फिर मैं आपसे वही सवाल पूछ लूंगा, फिर आप इधर उधर की बातें करेंगे, फिर मैं आपका स्टैंड पूछूंगा तो आप इधर उधर की बातें करने लगोगे, रुकिए उनको सुन लेते फिर आपको मौका दूंगा। ठीक है ऐसा है जयप्रकाश जी, यहाँ पे राजकुमार बड़े स्पष्ट रूप में ये कह रहे थे कि हम विरोध करेंगे। अब विचारणीय विषय ये है कि कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि जो किसान संगठन निर्णय करेंगे उसके साथ है, मतलब जो राजकुमार जी विरोध की बात कर रहे हैं कांग्रेस उसके साथ है, ये स्पष्ट नजर आ रहा है। अब सोचना ये है कि 26 जनवरी का जो दिन है गणतंत्र दिवस, वो ना तो किसी पार्टी का त्योहार है, वो पूरे देश के नागरिकों के लिए बड़ा सम्मान का दिन है। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, जिन अधिकारों की बात करते हुए ये किसान नेता प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं वो अधिकार 26 जनवरी के दिन ही मिले थे, उसी दिन संविधान लागू हुआ था। अब सोचिए ये कि अगर आप अपने देश के गणतंत्र दिवस का सम्मान नहीं कर सकते तो आप किसका सम्मान करेंगे?
कांग्रेस की नजर में तो ना देश कभी बेहतरपूर्ण रहा है ना कभी था, कांग्रेस ने तो इस देश को लूट के खाया है। आज देश के जो हालात किसानों के जो हालात 70 सालों में इतने बदतर रहे हैं इस कांग्रेस के कार्यकाल की वजह से, ज्यादातर यही लोग सत्ता बिल्कुल बिल्कुल। इस पर रिएक्शन अत्रे जी एक रिएक्शन राजकुमार लाडवा जी, जब सम्मान की बात आ रही है, जब लोकतंत्र की बात आती है, गणतंत्र दिवस हम मनाने जा रहे हैं, जो अधिकार मिला वो गणतंत्र दिवस पर मिला, उस पर ही आप लोग विरोध कर रहे हैं। आपने सुना होगा अत्रे साहब का, अत्रे साहब की बात का जवाब दे दीजिए। मैं कहता हूं जो रुके, अरे रुके बयान लीजिए, राजकुमार जी से जवाब ले लीजिए। किस जगह कम रहा किसान, किस जगह कम रहा? किसान ने देश को आजाद करवा, किसान ने इतनी लड़ाइयां लड़ी देश को आजाद करवाने में, देश की जमीन बताने में, किसान कहां कम रहा? लेकिन सर अगर कोई विरोध होता है राजकुमार जी, अगर कोई विरोध किया जाता है 26 जनवरी के दिन, अगर आप ट्रैक्टर परेड निकालेंगे तो माहौल खराब होगा। सुरक्षा एक बड़ा मसला होता है 26 जनवरी पर, वो दिक्कत आएगी। तो सर आपको मानना चाहिए ना, आप मानते क्यों नहीं है? थोड़ा बहुत आप भी झुकिए ना, ये मूछों की लड़ाई थोड़े। शर्मा जी कोई बात सुनो एक मिनट। 1952 के अंदर जिस दिन 26 जनवरी मनाई थी उस दिन ट्रैक्टर परेड हुई थी, और ट्रैक्टर परेड छोड़ के इन सरकारों ने कांग्रेस और भाजपा मिलके किसान को पीछा धकेल दिया। इस करके किसान अपनी परेड बड़े प्यार से निकालेगा, आउटिंग रिंग रोड पर निकालेगा, इसमें तकलीफ क्या है? किसान भी इस देश के वासी है, किसान का भी इस देश में रहने का हक है, किसान ने भी गणतंत्र दिवस पर जाने का हक है, क्यों नहीं जाएगा? क्या बात है, इसमें क्या हो गया? देखिए जयप्रकाश, मैं एक जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो किसान नेता को यह समझना चाहिए कि 1952 में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, पहली बात। दूसरी बात, इस बात को देश का हर नागरिक मानता भी है, जानता भी है कि देश का किसान राष्ट्रवादी है, राष्ट्र प्रेमी है। देश के किसान ने चाहे 1857 की क्रांति की बात हो तब भी देश के लिए लड़ाई लड़ी, चाहे 1947 की बात हो देश के किसान ने लड़ाई ली, इस बात से कोई इनकार नहीं करता। मेरा सवाल केवल ये है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे ट्रैक्टर परेड दिल्ली में करना ये हठधर्मी क्यों? अगर आप गणतंत्र दिवस का सम्मान करते हैं अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, आप गणतंत्र दिवस भाजपा नहीं जी भाई, आप सुन लीजिए पहले। देखिए आप अगर गणतंत्र दिवस मनाना चाहते हैं आप अपने गांव में मना सकते हैं, अपने मोहल्ले में मना सकते हैं, और पूरा देश मनाता है, हर बार मनाता है, ठीक है, सभी नागरिक मनाते हैं, ठीक है। अत्रे साहब रुके, एक अत्रे जी रुके, आनंद बयानी जी एक सवाल है, ठीक है, किसान मान नहीं रहे, किसान अड़े गए, वो ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने तो राज किया, हुकूमत किया। आप तो जानते हैं ना कि अगर 26 जनवरी के अंदर ट्रैक्टर परेड निकाली जाती है सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। दूसरा, अगर आपकी भी सरकार होती, आपके भी सीएम का विरोध होता, आपके मंत्रियों का विरोध होता 26 जनवरी के दिन, क्या ये सही होता? क्या ये सही है? शर्मा जी एक बात तो आप ये बताएं, कोई भी व्यक्ति या कोई भी किसान गणतंत्रता दिवस का विरोध नहीं कर रहे, वो अपनी ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे आउटर रिंग रोड पे, और वो उन्होंने सर वो कार्यक्रम भी तो गणतंत्र दिवस के ही होंगे ना। अगर सीएम तिरंगा पानीपत में फहराते हैं तो उनका विरोध करना गलत नहीं है क्या? अगर मंत्री कहीं तिरंगा फहराते तो गलत नहीं है क्या? आप तो राजनीतिक दल है ना, वो मंत्री और मुख्यमंत्रियों का विरोध कर रहे हैं, वो गणतंत्रता दिवस का विरोध नहीं कर रहे। एक तो आपका ये क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन कार्यक्रम तो वही है ना सर, वो बाकी कार्यक्रम का कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे, लेकिन 26 जनवरी का उन्होंने कहा कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राजकुमार जी कह रहे हैं हम करेंगे। ये राजकुमार जी को पता होगा, कोई भी व्यक्ति गणतंत्रता दिवस का विरोध नहीं कर रहा, ना किसान कर रहे ना अन्य व्यक्ति कर रहे हैं, गणतंतरता दिवस का विरोध नहीं कर रहे हैं सर। जब तक बात है मुख्यमंत्री या मंत्रियों को, उनका विरोध चल रहा है, पार्टी का विरोध अभी भी चालू और आगे भी इनका चालू रहेगा। इस प्रकार की स्थिति बनी, इन्होंने स्थिति ऐसे पैदा कर दी। और अभी अत्रे साहब बता रहे थे, ये कहते हैं 1980 के अंदर भारतीय जनता पार्टी बनी, इसका मतलब देश की आजादी में आपका तो कोई रोल ही नहीं था। बार बार तो ये आजादी की बात करते, हमने ही किया, हमने वो किया, कांग्रेस ने ये किया, इसका मतलब आपका तो आजादी में कोई रोल ही नहीं था। जो किया हमने किया ना, आजादी तो हमने दिलाई, किसानों ने दिलाई, दिलाई है, देश की जनता ने दिलाई, भाजपा ने तो केवल राज या देश को उजाड़ने का काम किया, उन्होंने आजादी में तो कोई काम नहीं किया, ये बात तो आप सभी मान रहे। देखिए ऐसा है जयप्रकाश, जहां तक देश की आजादी की बात है, एक बात मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बता भी देता हूं कि एक झूठ का प्रचार करना बंद करें कि आपने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी।
अरे आपके नेताओं को तो जब अंग्रेज जेल में बिठाते थे तो उस वक्त उनको तो वहां पे किताब लिखने के लिए मेज और कुर्सी मिलती थी, वहां पे बैठ के किताब लिखी जाती थी, बेटी के नाम पत्र वहां पे बैठ के किताब लिखी जाती थी, भारत एक खोज। लेकिन जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी भगत सिंह जैसे, वो बर्फ की सिलियों पे लिटा के उनको टॉर्चर किया जाता था, वीर सावरकर जैसे जिनसे कोलू जितवाया जाता था, से हाथों से फुड़वाए जाते थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी है देश की। आपके नेता तो वहां पे बच्ची लगवाई मिलते थे, आपकी सरकार ने बुआई थी, आप मेज कुर्सी थी, आपको पंखा भी मिलता था, आप यहाँ पे बैठ के किताबें लिखते थे, आजादी आजादी में कितना रोल रहा, आपकी सीटों पे टॉर्चर किया जाता था, सुभाष चंद्र बोस को इस देश से बाहर जनता जाग रही है। आपने तो सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुनने के बावजूद इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था। प्रकाश मंत्री आप भी तो एक बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की है, उसको भूल जाएंगे, आपको गर्व नहीं निकले देगा। हर नागरिक जानता है कि लड़ाई जो देश की आजादी की लड़ी जिन लोगों ने, वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वीर सावरकर, उन लोगों ने लड़ाई लड़ी है। आपने तो बैठ के किताबें लिखी, उसमें संघ परिवार के गवाही इसलिए उनको फांसी लगी, आपने ये काम किया ना, बनाई थी एओयू को और फिर भी किसी से बोलते जा रहे हो। मैं एक सवाल पूछता हूँ जयप्रकाश, क्या कोई अंग्रेज ऐसी पार्टी बनाएगा जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी? कांग्रेस बनाई किसने थी? एक अंग्रेज था एओयू जिसने कांग्रेस बनाई थी, और वो बनाई इसलिए गई थी। चलिए सर, हम कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे, हम ट्रैक्टर परेड पर बात कर रहे हैं, हम आपकी सरकार के विरोध पर बात कर रहे हैं। रुकिए रुकिए राजकुमार जी, राजकुमार जी, राजकुमार जी रुकिए, एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल मेरा राजकुमार जी से, रुकिए अत्रे जी, अरे बयानी जी रुक जाइए। राजकुमार जी देखिए, आप विरोध कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह करनाल में भी आपने खूब बवाल करवाया, तमाम किसान वहां पहुंच गए, हेलीपैड तक खोद डाला, अब आप ट्रैक्टर परेड दिल्ली में निकाल रहे हैं, और ट्रैक्टर परेड निकालते आपको पता है कि 26 जनवरी के दिन खासकर इस तरह के कार्यक्रमों के दौरान, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, या स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, आतंकियों की नजर होती है, पाकिस्तान की खुरापातें आप जानते हैं। आपको नहीं लगता है, जो खुफिया एजेंसी भी कहती है कि किसानों की आड़ में कहीं ना कहीं जो दहशतगर्द है वो किसी मंसूबे को अंजाम दे सकते हैं, तो सर देश के लिए तो किसानों को मानना चाहिए कि भाई रुक जाए, ट्रैक्टर परेड अगर नहीं निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका विरोध तो है, आप धरने पर तो बैठे हुए हैं, आप अपनी मांगों पर तो अड़िग हैं ही। ऐसे है जी, किसानों ने जब भी कोई देश को ऊपर आफत आई है, किसान ने सरकार की मदद करी है हर टाइम, कोई भी टाइम तो टेंशन बन रहे ना सर, सरकार के लिए आप लोग, सरकार जो बात आई है वह जो विरोध करे, जो विरोध बता रहे हो आप, विरोध कर रहे हैं यहाँ इनका, हरियाणा सरकार का, क्यों कर रहे हैं? हम तो दिल्ली जा रहे थे शांतिपूर्वक, यहाँ जाने नहीं दिया, कहीं रोड खोद दिए, क्यों खोद दिए रोड हमारे बुजुर्गों ने बनाए थे, किसने बनाए थे? ये रोड खोदने के लिए नहीं बनाए, यहाँ चलने के लिए बनाए गए थे, और उसके बाद जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दिए, पुलिस आमने सामने खड़ी कर दी, वह भी हमारे लड़के हैं, क्यों खड़ी कर दिया हमारे सामने? क्या मतलब आखिरी कमेंट अत्रे जी, आपका जल्दी से, क्योंकि मैं प्रोग्राम में सबसे पहले, ये हरियाणा सरकार किसानों ने, शर्मा जी हरियाणा सरकार किसानों ने बढ़ाई है, कोई राजकुमार से नहीं बनी, उसके बाद में जल्दी से 30 सेकंड में जवाब अत्रे जी। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है, आप इसको किसान आंदोलन कह कह के देश के किसानों। चलिए आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है, राजकुमार जी आपका भी, और साथ ही साथ आनंद जी आपका भी, और अत्रे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।